जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित हो रहा है गांधी सप्ताह का सत्र। 2 से 9 अक्टूबर तक आयोजित होगा सत्र। सीएम अशोक गहलोत समेत ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, महापौर विष्णु लाटा और कांग्रेस पार्षद हैं मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया सिल्कोसिस नीति का विमोचन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से बनाई गई है नीति। बिरला सभागार में किया नीति की पुस्तिका का विमोचन। जयपुर के डिग्गी पुलिया के पास सीवर की सफाई करते वक्त 2 मजदूर गिरे। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों को निकाला बाहर। जयपुरिया अस्पताल में करवाया गया भर्ती। दौसा के महुआ उपखंड अधिकारी ने मंडावर कस्बे में छात्रावास का किया निरीक्षण। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित छात्रावास में मिली कई खामियां। उपखंड अधिकारी ने दिए अधिकारियों को दिशा निर्देश। राजस्थान में चुनाव से पहले शिक्षकों के तबादले पर विरोध प्रदर्शन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने किया हाईवे जाम। शिक्षा विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। नमस्कार, मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुख करेंगे अहम खबरों का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां गांधी सप्ताह के तहत सत्र में सीएम अशोक गहलोत गांधी सप्ताह के तहत सत्र में हैं मुख्य अतिथि। शाम 5:30 तक होगा स्वच्छता सत्र। शाम 7 बजे से 8:30 बजे तक, 4 अक्टूबर को सुबह 10:30 से 1 बजे तक और कल दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगा खादी सत्र। जबकि कल शाम 7 से 8:30 बजे तक चलेगा भारत वाग्य विधाता नाटक। प्रदेश में 2 से 9 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है गांधी सप्ताह। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, महापौर विष्णु लाटा, कांग्रेस पार्षद भी मौजूद। गांधी सप्ताह के तहत सत्र में सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं। गांधी सप्ताह के तहत सत्र में हैं वे मुख्य अतिथि। 5:30 बजे शाम तक होगा स्वच्छता सत्र। इसके बाद 7 बजे से 8:30 बजे तक खादी हेरिटेज शो का होगा आयोजन। 4 अक्टूबर को सुबह 10:30 से 1 बजे तक महिला, तो वहीं कल दोपहर 3 से 5 बजे तक होगा खादी सत्र। जबकि कल शाम 7 से 8:30 बजे तक चलेगा भारत भाग्य विधाता नाटक। 2 से 9 अक्टूबर तक आयोजित होगा गांधी सप्ताह। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और महापौर विष्णु लाटा मौजूद हैं, साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। गांधी सप्ताह के तहत सत्र में हैं मुख्य अतिथि। आज शाम 5:30 बजे तक होगा स्वच्छता सत्र। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जो ये सत्र चल रहा है, क्या कुछ इसका कार्यक्रम है और क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य है? देखिए, बिड़ला सभागार में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वच्छता सत्र का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर नगर निगम के महापौर विष्णु लाटा कार्यक्रम के अंदर मौजूद है। इसके साथ ही डॉक्टर बी डी कल्ला, जो की ऊर्जा और जलदाय विभाग के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी जो सफाई कर्मी है उनके लिए सुरक्षा पुस्तिका और 2 पोस्टर्स का विमोचन यहां पर किया है। इसके साथ ही विभिन्न सफाई कर्मी, जो कि जयपुर नगर निगम के सफाई कर्मी है, प्रदेश भर से सफाई कर्मी आए हुए हैं, जो उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र के अंदर अपना एक नाम कमाया है, उनको सम्मानित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया है। इसके साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में सीधे तौर पर महात्मा गांधी की विचारधारा बताई है कि उन्होंने हरिजन नाम का एक समाचार पत्र भी निकाला और बकायदा जो दलित समाज के लोग थे, जो कि सफाई कर्मी थे, उनको हरि का जन यानी ईश्वर का व्यक्ति बताया। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो है उसको स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए और जब हम व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देंगे, अपने घर की स्वच्छता पर ध्यान देंगे और समाज की स्वच्छता पर ध्यान देंगे, तभी जाकर के जो देश है वो स्वच्छ बन सकता है। तो स्वच्छ जो है स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाए। प्लास्टिक बैन की जो मुहिम है वो राज्य सरकार उसकी ओर आगे बढ़ रही है, इसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री की ओर से अपनी बात कही गई। वर्ष पर सफाई को लेकर के विशेष तौर पर अभियान चलेंगे और हमेशा के लिए इस आदत को अपनाने की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। जयपुर के महापौर विष्णु लाटा ने यूनेस्को की ओर से जयपुर शहर का जो परकोटा है उसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने पर जो प्रमाण पत्र मिला वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा है। कार्यक्रम इस वक्त जारी है और मुख्यमंत्री की ओर से एक एक करके सर्टिफिकेट और शॉल उड़ाकर के मोमेंटो देकर के सफाई कर्मियों को और इस क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न जो लोग हैं, जो स्वच्छता के क्षेत्र में जुटे हैं, उनको सम्मानित किया।
जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि गांधी सप्ताह के तहत सत्र में मुख्य अतिथि हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो इस वक्त मौजूद हैं। शाम 5:30 बजे तक स्वच्छता सत्र चलेगा। बता दें कि कल में शाम 7 से 8:30 बजे तक चलेगा भारत भाग्य विधाता नाटक। प्रदेश में 2 से 9 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है सत्र। इसी के साथ एक और बड़ी खबर नागौर से आ रही है जहां गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई की अजमेर जेल में पिटाई की गई है। रूपेंद्र पाल उर्फ विक्की को पीट पीट कर किया घायल। जेल अधिकारियों और कर्मचारियों पर है मारपीट का आरोप। भूपेंद्र पाल अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में है बंद। रूपेंद्र पाल की पत्नी ने लगाई सुरक्षा की गुहार। जोधपुर विधायक मनीषा पवार से की शिकायत। विधायक मनीषा पवार ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। रूपेंद्र उर्फ विक्की को सुरक्षा की मांग। रूपेंद्र पाल के साथ कई बार हो चुकी है कथित मारपीट। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई रूपेंद्र पाल की उर्फ विक्की की पिटाई की गई है जेल में। जेल अधिकारियों और कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। भूपेंद्र में जो हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। रूपेंद्र पाल की पत्नी ने शिकायत भी की है इसकी। जोधपुर विधायक मनीष पवार से शिकायत की है। विधायक मनीषा पवार ने मुख्यमंत्री को लिखा है पत्र। रूपेंद्र उर्फ विक्की को सुरक्षा की मांग। रूपेंद्र पाल के साथ कई बार हो चुकी है कथित मारपीट। गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के भाई अजमेर जेल में पिटाई। रूपेंद्र पाल उर्फ विक्की की पीट पीट कर उनको किया घायल। जेल अधिकारियों और कर्मचारियों पर है मारपीट का आरोप। रूपेंद्र पाल अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। मारपीट रूपेंद्र पाल उर्फ विक्की को पीट पीट कर किया घायल। जेल अधिकारियों और कर्मचारियों पर उनके साथ मारपीट का आरोप लग रहा है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में भी बंद है। रूपेंद्र पाल की पत्नी ने सुरक्षा की अब गुहार लगाई है और जोधपुर विधायक मनीषा पवार से इसकी शिकायत की है। उन्होंने मनीषा पवार ने मुख्यमंत्री को इसको लेकर पत्र भी लिखा है। रूपेंद्र विक्की को सुरक्षा की मांग की गई है। भूपेंद्र पाल के साथ पहले भी कई बार कथित तौर पर मारपीट हो चुकी है। और इस पर हमारे साथ अनीस खान हमारे संवाददाता हनीफ खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता हनीफ, क्या है ये पूरा मामला? किस तरह की शिकायत आ रही है जेल से? और जेल में अगर मारपीट हो रही है उनके साथ तो किस आधार पर यह मारपीट की गई है? देखिए बानो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आनंद पाल का भाई जो रूपेंद्र पाल उर्फ विक्की है, ये खुद भी एक उदंड प्रवृत्ति का है और खतरनाक गैंगस्टर भी है। और इसके जो व्यवहार को लेकर है ना, कई दिनों से ऐसी बातें आ रही है कि इसके साथ कथित तौर पर जेल में मारपीट होती है। ये घटना पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई उसमें बताया जा रहा है कि इसको काफी चोटें आई है। और इसकी पत्नी जो है सुमन, उसने जोधपुर की जो विधायक है उसको शिकायत की है। जोधपुर की जो विधायक है उसने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी सुरक्षा की मांग की है। पहले भी रूपेंद्र पाल और विक्की ने कोर्ट में भी अर्जी लगाई है कि मुझे सुरक्षा दी जाए, उसकी जेल है, उस जेल को में भी बदलाव किया जाए। एक बार इसको जेल बदलकर भरतपुर जेल में शेवर में भेजा गया था, वहां से भी इसने मना कर दिया था कि मेरी जान को खतरा है। क्योंकि पहले भी आनंद पाल जो गैंगस्टर रहा है उस पर भी बीकानेर जेल में कई बार हमला हो चुका है, उसको भी जान का खतरा था। उसने भी कई बार ऐसी दरखास्त लगाई थी कि उसकी जान को खतरा होने की वजह से उसे बार बार पेशी पे नहीं लाया जाए। और पहले जो आनंद पाल के भाई का एनकाउंटर हुआ था, उस समय जब पेरोल इसको नहीं दी गई थी तो रूपेंद्र पाल के साथ में एक झगड़ा हुआ था एक पुलिस अधिकारी का, उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगा था, तब भी इसके साथ मारपीट की गई थी। और देखना ये होगा कि जांच का विषय है कि कितनी इसके साथ मारपीट हुई है, सच्चाई कितनी है। जी बानू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ आपका तमाम जानकारी के लिए।
राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सिल्कोसिस नीति जारी कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीति की पुस्तिका का विमोचन किया। खनन क्षेत्रों में जहां पत्थरों की कटाई और क्रेशर से चूरा होता है, उसकी धूल से होने वाले इस रोग की रोकथाम के लिए सरकार ने कई कारगर कदम उठाए हैं, जिसके तहत पीड़ित को कुल 5 लाख रुपए तक के बेनिफिट होंगे। उसके इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। 3 लाख रुपए तक की सहायता के प्रावधान है। मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपए का टर्मिनल बेनिफिट भी दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव डीवी गुप्ता ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी दी है कि खनन और श्रम दोनों विभाग चूंकि इसमें शामिल है, अन्य भी विभागों को शामिल कर इसकी मासिक समीक्षा की जाएगी। पूरे भारत में ही इसकी घोषणा की गई है। 2 अक्टूबर से इसको लॉन्च करने की बात थी। हमने जो भी राज्य सरकार की बैठकें हैं उनमें भी प्लास्टिक की बोतलों पर पूर्ण पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी आपने पान मसाले गुटखा जो एक सर्टेन क्वालिटी के हैं उनको बैन किया गया है, वो आज अखबारों में है ही है। अब हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि हम पूरे वातावरण में इस तरह का करें कि प्लास्टिक फ्री उसको, तो उसकी शुरुआत हमने पहले सरकार से की है, लेकिन जनता से हमारी अपील है कि इस तरह की चीजों पे अब कम से कम इसको यूज में लें, धीरे धीरे ये फेज आउट। इसी के साथ एक बड़ी खबर इस वक्त राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां राजस्थान हाउस का मामला है। सीबीआई के मोस्ट वांटेड मामले की विभागीय जांच शुरू। जीएडी ने वरिष्ठ आरएएस स्टेट मोटर विभाग में कंट्रोलर है राम अवतार मीणा। मीणा ने राजस्थान हाउस के रजिस्टर को लिया कब्जे में। 10 से 13 अक्टूबर तक रिकॉर्ड खंगालने किए शुरू। हाउस में तैनात कर्मचारियों से होगी पूछताछ। राजस्थान सरकार ने इस मामले में तत्कालीन मैनेजर को किया था एपीओ, अन्य 2 कर्मचारियों को किया था सस्पेंड। राजस्थान हाउस का मामला है दिल्ली से बड़ी खबर, जहां सीबीआई के मोस्ट वांटेड मामले की विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। जीएडी ने वरिष्ठ आरएएस अधिकारी राम अवतार मीणा को कंट्रोलर है विभाग में। 10 से 13 अक्टूबर तक के रिकॉर्ड खंगालने किए शुरू। हाउस में तैनात कर्मचारियों से भी होगी पूछताछ। राजस्थान सरकार ने इस मामले में तत्कालीन मैनेजर को किया था एपीओ, अन्य 2 कर्मचारियों को किया था सस्पेंड। राजस्थान हाउस का मामला है। सीबीआई के मोस्ट वांटेड मामले की विभागीय जांच शुरू। जीएडी ने वरिष्ठ आरएएस अधिकारी राम अवतार मीणा को बनाया जांच अधिकारी। स्टेट मोटर विभाग में कंट्रोलर हैं राम अवतार मीणा। और इसके साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रीत किरण हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीत किरण, क्या है ये पूरा मामला और किस मामले में जांच हो रही है, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, जिस तरीके से एक वॉन्टेड क्रिमिनल को राजस्थान हाउस में पनाह दी गई थी, एक मामला सामने आया था कि पिछले 3 से 4 सालों से लगभग वो वॉन्टेड क्रिमिनल राजस्थान में कई बार आए और यहाँ जो है राजस्थान हाउस में रूम बुक किया और राजस्थान हाउस में कई दिनों तक ठहरा। लेकिन पिछले दिनों जब पीबीआई के हाथ ये जब पूरा मामला लगा, तो उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उस क्रिमिनल को पकड़ा, जिसके जेब में से राजस्थान हाउस की 506 नंबर चाबी पाई गई। अब इस मामले में नया मोड़ यह आ गया है कि राज्य सरकार ने जांच के लिए एक आरएस अधिकारी है राम अवतार मीणा, उनको नियुक्त कर दिया है। और राजस्थान हाउस में जिस तरीके से जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता था, जिसके अंदर किसको यहाँ पर ठहरने की अनुमति थी, किसने रूम बुक कराया, उसको जो है अपने कब्जे में ले लिया है। और अब जो है इसमें आगे की जांच की जाएगी। पहले ही कुछ अधिकारियों को, अकाउंटेंट को सस्पेंड किया जा चुका है इस मामले में। छानबीन में सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेट किया राज्य सरकार की तरफ से, और उसके साथ ही जो यहाँ पे मैनेजर थे उनको एमपीओ किया गया और उसके जगह नए मैनेजर की नियुक्ति हुई है। तो फिलहाल अब जो नई सिरे से जांच हो रही है, इसमें ये देखना होगा कि आगे किस किस पे मामले में गाज गिरती है। राजस्थान हाउस में जिस तरीके से हम जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनको ठहरने के लिए किसने अनुमति दी, ये सारी जो चीजें में कौन कौन लिप्त पाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीत किरण आपका तमाम जानकारी के लिए।
राजस्थान की राजधानी जयपुर के डिग्गी पुलिया के पास कुई की सफाई करते वक्त दो मजदूर गिर गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों को जिंदा बाहर निकाला, तो वहीं एम्बुलेंस की मदद से दोनों मजदूरों को गंभीर हालत में जयपुरिया अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल अस्पताल में मजदूरों का इलाज जारी है। राजस्थान के बीकानेर में हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में प्रदर्शनकारियों ने एसपी प्रदीप मोहन शर्मा को आरोपियों को गिरफ्तार कर न्याय दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि सुभाष नाम के आरोपी ने व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश की। इस दौरान आरोपी ने व्यक्ति का पैर काटकर शरीर से अलग कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 यानी हत्या के प्रयास करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। हमारे पिताजी को पैर काट के और फेंक दिया है और अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है। एसपी साहब को हम आकर के अवगत कराने के लिए आए हैं। नहीं, कहाँ का मामला है और किस लिए? सर का मामला है 500 थाने का और अभी तक 20 दिन हो गए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मैं पिताजी के पास में इलाज करवा रहा हूँ हॉस्पिटल में और मेरे घर वालों को टोटल को धमकिया दे रहे हैं आरोपी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन दर्शन को अपनाएं, ये कहना है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी के केशवराय पाटन आयोजित पदयात्रा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का विचार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मान रही है। महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, एक ऐसी संस्था थी जिन्होंने भारत के अंदर अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों के शासन से आजादी दिलाने का काम किया। लोकसभा अध्यक्ष बिरला का केशव मंदिर से शुरू हुई पदयात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने फूलमालाओं से अभिनंदन किया। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने भगवान केशव राय के दर्शन किए। राजस्थान में चुनाव से पहले शिक्षकों के तबादले किए गए, जिसे लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। बता दें कि छात्रों ने विद्यालय के गेट के आगे बैठकर प्रदर्शन किया। राजस्थान में होने वाले उपचुनावों को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस दौरान एआईसीसी महासचिव मोतीलाल वोरा ने चुनाव आयोग को खींवसर सीट के लिए कुल 40 स्टार प्रचारकों के नामों की घोषणा की है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी प्रभारी अविनाश पांडे सहित कई नाम शामिल हैं। वहीं कांग्रेस जीत का दावा भी कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी दोनों उपचुनाव को लेकर गंभीर है और निश्चित तौर पे जो हमारे राज्य सरकार के अभी जो पिछले 8 महीने का कार्यकाल रहा है उसमें जो हमने कई फैसले लिए हैं जन कल्याण को देखते हुए, पानी, बिजली, बेरोजगारी भत्ता, किसानों के ऋण, तो हमें पूरा विश्वास है कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जनता का हमें प्यार मिलेगा, हमें सहयोग मिलेगा और उम्मीदवारों की घोषणा के बाद वहाँ से हमें पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है और आज हमारे प्रचारों की सूची भी जारी हुई है। जल्दी उनमें से कई जो है हमारे नेतागण हैं, चाहे प्रदेश के चाहे राष्ट्रीय, वे दोनों क्षेत्रों में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है उसका। जैसलमेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय पर गुरुवार को नर्सिंग कर्मियों ने घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान नर्सिंग कर्मियों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द रिलीव किया जाए ताकि वे अपने गृह जिले में जाकर ज्वाइन कर सकें। तो वहीं मामले को बढ़ता देख मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीके बारूपाल ने पुलिस बुलाकर मामले को शांत करवाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक सरकारी स्तर पर हुए तबादलों में जिले के लगभग 18 चिकित्सक और 80 नर्सिंग कर्मियों का भी तबादला हुआ था, लेकिन जिला कलेक्टर ने रिलीवर नहीं आने तक स्थानांतरित चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों नहीं भेजने के आदेश जारी कर दिया था, जिसके चलते चिकित्सा कर्मियों ने प्रदर्शन किया।
सर मैं 30 साल से यहाँ सर्विस कर रही हूँ। अब पहली बार मेरा ट्रांसफर भरतपुर मेरे गृह जिले में हुआ है। अब सीमोचो साहब यहाँ से मेरे को रिलीव नहीं कर रहे हैं। मैं बीपी की पेशेंट, शुगर की पेशेंट, बीमार रहती हूँ। यहाँ पे कोई रहता नहीं है मेरी देखभाल करने वाला। कल को कोई कुछ हो गया तो मेरे कौन तो देखभाल करे। और अब लास्ट टाइम में यहाँ से रिलीव नहीं कर रहे, 2 साल नौकरी के रह गए, एंड में भी घर नहीं जा भेज जा सकते। क्या दिन हो गए सर, आदेश जारी होने के बाद हम रोज यहाँ पे आ रहे हैं और सीमोचो साहब कहते हैं मेरे पास कोई आदेश ही नहीं है। कोई लिखित में दे देना भाई, मैं उस दिन रिलीव करूंगा, हम उसी दिन आ जाए, हम क्यों रोज के धक्के खाएं यहाँ पे, हमको ये लिखित में दे दे। और आपको सीधे लिए चलते हैं कोलकाता, जहाँ एक मॉल में भीषण आग लगी हुई है, जहाँ आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, राहत बचाव कार्य जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कोलकाता के एक मॉल की हैं, जहां भीषण आग लगी है। इस मॉल में दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं, लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अजमेर के कोतवाली थाने में ऑनलाइन ठगी की वारदात का मामला सामने आया, तो वहीं मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि प्रताप नगर निवासी रिटायर्ड आर्मी अधिकारी अजीत सिंह ने ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने कस्टमर केयर अधिकारी बनकर 4 अलग अलग ट्रांजेक्शन से 5,18,000 के ट्रांजेक्शन किए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। प्रताप नगर में रहने वाले हैं अजीत सिंह जी, टैक्समैन हैं। इनके पेंशन का पैसा आता है पंजाब नेशनल बैंक में। एटीएम से इन्होंने 10,000 रुपये निकालने की कोशिश करी थी तो ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, जिसकी कंप्लेन इन्होंने बैंक में करी। फिर ऑनलाइन इन्होंने कस्टमर केयर को भी इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई थी। 2 दिन बाद कस्टमर केयर से फ़ोन आया, इनकी पूरी डिटेल बताई गई इनको, और इनको ये कहा गया कि भाई आपको OTP नंबर आएंगे वो हमें बताना। इन्होंने जिसका फ़ोन आया था उसको 4 बार OTP नंबर आया, चारों बार उसको OTP नंबर बता दिए। तो 4 बार में इनके खाते से कुल मिला के 5,18,000 रुपये निकाल लिए गए। जालौर के सांचौर उपखंड क्षेत्र के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर उपखंड मुख्यालय पर गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश से पकी हुई फसल को नष्ट हो गई है, जिसको काफी नुकसान हुआ है, जिसका गिरदावरी करवाकर जल्द ही मुआवजा दिलवाया जाए। भीलवाड़ा के माणिक्य लाल वर्मा महाविद्यालय में AVVP के छात्रों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्राचार्य इंदुबाला बापना की गाड़ी को रास्ते में ही रोक दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाकर मामला शांत करवाया। आपको बता दें कि छात्र कॉलेज में सफाई, फर्नीचर, पानी की समस्या और गर्ल्स कॉमन रूम की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर छात्र संघ अध्यक्ष विजयपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि हम पिछले कई दिनों से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ महारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।